हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की और देखेंगे उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट है। तो मैं हूँ वसी और आप देख रहे हैं अमेजोन शॉप। पे आता है ओप्पो F15। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें कैलो P70 है, डिस्प्ले में 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका सुपर एमुलेट है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा है इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 20,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 16 जनवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Xiaomi Mi Note 10। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 720G है, डिस्प्ले इसमें 6.47 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका कर्व्ड OLED है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। कैमरा इसका खास है दोस्तों, इसमें 5 रियर कैमरा है 108+5+12+20+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 5260 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 25,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 25,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 24 जनवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Samsung Galaxy M31। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10 क्यू है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 665 है, डिस्प्ले इसमें 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका सुपर एमुलेट है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+12+5+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं सैमसंग इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 22 जनवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Huawei Mate 30 Lite। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 810 है, डिस्प्ले इसमें 6.26 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 18,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 27 जनवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Vivo Y5। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक हेलो P35 है, डिस्प्ले इसमें 6.35 इंच का HD+ डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 13+2+8 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 12,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 12,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Vivo इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 31 जनवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।